আর কৃষ্ণ দিতে পার তোমার সকতি আছে, তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার সকতি আছে। আমি তো কঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি, আমি তো কঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি। তাই তব পাছে পাছে, তাই তব পাছে পাছে, ওই বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাস করুণা করি, ওহে বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এ দাস করুণা করি। বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর, বৈষ্ণব ঠাকুর জয় বৈষ্ণব ঠাকুর। হরি বল হরি বল, তাই গৌরাঙ্গ তুলে বলবাই গীতাই গৌরাঙ্গ, গীতাই গৌরাঙ্গ নেচে বলবাই গীতাই গৌরাঙ্গ, বলবাই গীতাই গৌরাঙ্গ হাত তুলে বলবাই গীতাই গৌরাঙ্গ, বলবাই গীতাই গৌরাঙ্গ। হরি বল হরি বল, রামচন্দ্র কি পবন সুদ হনুমান কি আসিয়াবর প্রভু বলো। অজ্ঞান সিমরন ধস্য জ্ঞানঞ্জন শলাকিয়া চক্ষুর্ন মিলতম যেন তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ। নমো বিষ্ণু পদায় রাধিকায় প্রিয়াত্মনে শ্রীমদ ভক্তি বেদান্ত নারায়ণ গোস্বামী নামনে শ্রীকৃষ্ণ লীলা কথনে সুদক্ষম উদারে মদারে গুণনিত্যযুক্তম বরম বরেণ্যম পুরুষম মহান্তম নারায়ণম তমাম নমামি বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতা নাম পাবনেভ্যো বৈষ্ণবভ্যো নমো। সবাই সবাই বসে পড়ো, সবাই যে যেখানে আছেন বসে পড়ো। চৈতন্য প্রভু হিন্দি তারপরে বাংলাও কথা হবে, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিব যে থাকবে না ওদের দুটো দুটো রসগোল্লা পাবে। সব বলো মেরে সাথ, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, সবাই বল জোরে হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। এক বার ফির বল দো, হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে। দেখো হরি গুরু বৈষ্ণব কি কৃপা সে হম লোক মায়াপুর কি পরিক্রমা করতে করতে অন্তিম পড়াও মে আয়ে হ্যাঁ। ইসকা নাম হ্যায় চাঁদ কাজি সমাধি। বহুত সারি চিজে ইহা সমঝনে বালি হ্যাঁ, আন্ডারস্ট্যান্ডিং বালি হ্যাঁ।
समझ जाएंगे तो यहाँ से निकल जाएंगे, और नहीं समझेंगे तो यहीं से अटक जाएंगे। पूछो कैसे? ये मायापुर है, ये वो स्थान है यहाँ पर स्वयं भगवान कृष्ण ने जन्म लिया, जिसे कहते हैं आविर्भाव हुआ जगन्नाथ मिश्र जी के घर में। क्यों इस स्थान पर आविर्भाव हुआ? क्योंकि ये बहुत ही पापी टापी लोगों का स्थान था, तो जब रोग बढ़ जाता है तो हैवी डोज देनी पड़ती है, तो भगवान हैवी डोज देने के कारण इस स्थान पर आए। बंगाल, यहाँ पर भगवान की भक्ति नाम की कोई चीज ही नहीं थी। काली की देवी की पूजा करते थे, उसमें भी शराब मीट चलाकर, और पैसा खर्च करने के नाम से बिल्ले बिल्लियों की शादी करके उसके ऊपर पैसा खर्च करते थे। भगवान की सेवा करने का कंसेप्ट था ही नहीं। अब उस पर भी मुस्लिम राजा यहाँ पे राज करते थे। तो ये स्थान है चांद काजी की समाधि। काजी किसको कहते हैं मालूम है? जो न्याय करता है। काजी मुसलमानों की राज्य में छोटे छोटे मोहल्लों का या छोटे छोटे इलाकों का जो न्याय करता है उसको क्या कहते हैं? काजी। अब महाप्रभु जी श्रीवास आंगन में आकर कीर्तन करते थे, और रात भर कीर्तन करते थे। तो रात भर कीर्तन करने के कारण बहुत सारे हिंदू लोगों ने इस काजी मुसलमान काजी को आकर शिकायत की कि भैया यहाँ तो गड़बड़ होता है, कोई भक्ति कोई ध्यान कोई भगवान का कार्य चीख चिल्ला कर थोड़ी होता है, ये तो चुप बैठकर ध्यान लगाने वाली चीज है, और ये लोग तो रात रात को मृदंग बजाते हैं और झांप बजाते हैं और ये बजाते हैं, सोने नहीं देते। मुसलमान ने शिकायत नहीं की, शिकायत किसने की? हिंदुओं ने शिकायत की। तो मैं ये कहने जा रहा हूँ, इस बात को समझें यहाँ अच्छी तरह से, हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ हमारे ही अपने लोग हमारे विरोधी हैं। हमारे अपने लोग क्या? हम तो अपने को हिंदू मानते हैं ना? अब हिंदू मानकर हम वैष्णव बनकर महाप्रभु जी की पूजा करके भक्ति करना चाहते हैं, और सच्चाई ये है कि इस भक्ति को हमारा ही यहाँ के लोग करने नहीं दे रहे। अब यही बात हुई है आजकल, देखते देखें अयोध्या में राम मंदिर बनाना है, हिंदुओं ही नहीं आके ऑब्जेक्शन करने शुरू कर दिए। रहोगे ऐसी जगह पे यहाँ पर अपने ही धर्म को अपने ही भक्ति को अपने ही लोग क्या करें? खंडन करें, और इल्जाम लगाए हम कि मुसलमान ऐसा करते हैं। ये कलियुग है, कलियुग में हिंदू भी यवन है और यवन तो यवन है ही है। तो चांद काजी ने अपने आदमी भेजकर मृदंग को छुड़वा दिया, और कहा कि कोई नहीं करेगा हुड़दंग, मृदंग नहीं हुड़दंग, कोई नहीं करेगा। अब सीधे साधे भक्तों की तो जान निकल गई, हालत खराब हो गई। और आपको एक बात बतला दूं मैं, हिंदुओं को तो फिर भी आप समझा के बुझा कर डरा के भक्ति में ला सकते हो, लेकिन मुसलमान लोग इतने कट्टर हैं अपने धर्म के कि वो टसमस नहीं होते, वो बिल्कुल टसमस नहीं होते। और ऊपर से वो काजी हो तो वो टसमस होगा। टस मस का मतलब समझते हो? ये टस ये मस है, ये टस ये मस। वो बिल्कुल भी